तो मिर्जे ने कहा कि ज़ुरियतुल बगाया कंजरियों की औलाद हैं जो मुझे नहीं मानते। मिर्जा कहता है ज़ुरियतुल बगाया अपनी किताब में लिखा है, तर्जमा क्या है इसका कि कंजरियों की औलाद हैं, कहता है ये जो मुझे नहीं मानते। अब भाई जिसकी माँ कंजरी है वो मिर्जे को कह रहे, मुसलमान मर्जियों को कह रहे, हमारी माँ तो भाई कंजरी नहीं थी, वो तो शरीफ औरत थी, ठीक है, इसलिए मेरी माँ ने तो मुझे यही सबक दिया भी तुझे तेरी माँ को कह रहे थे उसको तो छोड़ना नहीं। तो वो खुद कहता है सदाकत इस्लाम के अंदर, आयना कमालत इस्लाम के अंदर, ये जो कलमतुल फसल है इसके अंदर रूहानी खजाइन की जिल्दें भरी पड़ी कि वो हमें काफर कहते हैं। मिर्जे का पुत्र खुद मिर्जे ने भी ये लिखा और मिर्जे से किसी ने कहा कि ये जो मुसलमान है इनके जनाजों के साथ जाना चाहिए, कहता काफर है इनके जना, हत्ता के कहते हैं इनके बच्चों के जनाजों के साथ भी ना जाए। तो उन्होंने पूछा हजरत बच्चों का क्या कसूर है, कहता तुम यहूदियों और हिंदुओं और ईसाइयों के बच्चों के जनाजे पर जाते हो, कहते नहीं, तो कहते इनके बच्चों को, इनके बच्चे हिंदू यहूदी ईसाइयों के बच्चे हैं, ये तक उसने लिखा हुआ है सब कुछ वही लिख कर गया। बदमाश मर गया, जहन्नुम वासल हो गया। दूसरा पुत्र इसका मिर्जा बशीर अहमद है, तीसरा मिर्जा बशीरुद्दीन है। तीनों ने किताबें लिखकर उसके अंदर कहा है कि ये सारे जनाब जितने भी, अभी भी वो अब्दुल शकूर जो है शकूरा भाई वो ट्रंप के हजूर हाजिर हो गए और उसने कहा माई बाप आली जनाब जिले लाई, आप हमें बचाएं, मुसलमान जो है वो हमें जो है तंग कर रहे हैं जी। उस पे वो सारी दुनिया के अंदर वहां वहां से मुसलमान लिए हैं, जो मुसलमान मॉडरेट मुसलमान है और अपने अपने इलाकों के कादियानी हैं, बहाई कादियानी, उनके 60 नुमाइंदे मंगवा के, तो अभी ट्रंप ने उनसे मुलाकात की। उसको इराक से वो मां याद नहीं आई जिसके चारों पुत्र बम से उड़ा दिए, वो नुमाइंदा वहां से नहीं बुलाया। शाम से कोई नुमाइंदा नहीं आया, फलस्तीन की बेटियां उड़ा दी वहां से कोई नुमाइंदा नहीं आया, अफगानिस्तान तबाह करके रख दिया नुमाइंदा कोई नहीं आया, लीबिया उजाड़ के रख दिया नुमाइंदा कोई नहीं आया, उधर जजायर दूसरे वो उजाड़ दिए नहीं आया, कश्मीर जो 70 साल से वो जिसकी आंखें जिन लोगों की निकाल दी है गन्नों के जरिए वो कोई नहीं आया, जहां मजलूम मुसलमान थे वहां का नुमाइंदा कोई नहीं आया। तो जहां कंजर मंजर इकट्ठे हुए हैं जिनको कहता कोई कुछ नहीं, वहां पे ये सारे इकट्ठे हुए। कौन कहता है इन मर्जियों को कुछ, यहाँ रोटी खाते पानी दुकानें अपनी करते हैं बड़े आराम से मौजें करते हैं, कोई मुसलमान उस वक्त जो है आइन जब बनाए तो उस वक्त को थोड़ी बहुत होगी, और वो भी इन लोगों ने कितने 20,000 1953 के अंदर 20,000 मुसलमानों को इन्होंने जख्मी किया और उसके अंदर शहीद किया, अपने सिर्फ 200 इनके हुए थे और इन 1953 आजम खान जनरल था उसने गन्ने चला दी उस वक्त तहरीके खत्मे नुबुव्वत वो जब चली है वो काफर करार दिया इनको। बाकी आपको मैं बता नहीं सकता कि हमारे भी हुक्मरानों ने कोई भुट्टो शुट्टो ने कोई अच्छी नहीं की इनको, काफर कुफर जो इनको करार नहीं दिया, उधर काफर नहीं लिखा, कहा नॉन मुस्लिम है ये, बड़े इनकी अकलियतों में है, आप वो लफ्जों को पढ़े जाकर के जिसकी वजह से वो लफ्ज भी ये खत्म कराना चाहते हैं। तो इनकी जो है ये खुद कहते हैं, और वो जो याहिया बख्तियार था जिसने मुकदमा लड़ा हमारा उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर, उसने तो इनके अंदर से जहर गलवाया ना हर हालत में कि बताओ ना कि तुम लोग किस हमें क्या मानते हो। और जब ये बात खत्म नहीं होती थी तो भुट्टो वली खान सारे बैठे थे, तो मिर्जे से फिर उस वक्त ताहर से उन्होंने पूछा, बात खत्म करने के लिए मौलाना जफर अहमद अंसारी उठ के खड़े हो गए, वो बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा यार इतने दिन से पार्लियामेंट में बहस हो रही खत्म करते हैं। उन्होंने कहा बताओ मिर्जिया ये भुट्टो बैठा है वली खान बैठा है ये सारे बैठे हैं, ये सारे ही कहते हैं कि तेरा बाप जो है ना उसको हम जो है ना मुसलमान नहीं मानते और नबी भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं कहता, तेरे नजदीक ये मुसलमान है या काफर, उसने खुलकर कहा मेरे नजदीक ये सारे काफर है। भुट्टो ने कहा, उसने कहा भुट्टो जी सुन लिया तुमने भी, और वली खान उन्होंने कहा वो चढ़ के गुस्से में उन्होंने कहा अच्छा सानू उसे काफर, उन्होंने कहा सुबह तुसी सारे काफर, ठीक है ना, वो उन्होंने कहा वरना इस पार्लियामेंट में कहने की ये जुरत क्यों हुई है आप जरा सोचे लफ्ज, वो कैसे कह दिए उसने, उसको पूरा यकीन था कि हमारा होल्ड है, कहते हैं ये पाकिस्तान जो है ये अंग्रेजों ने बनाया है, रहते यहां मुसलमान है और हुक्मरानी कादियानी करते हैं, ये एक फिक्रा चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि ये जो है इस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है ना, मुसलमान रह रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे नलायक परले दर्जे के, कोई काम इन बच्चों को काम नहीं आता, इनको फिल्में गाने ये उनके बच्चे पढ़ते हैं, हर साल तैयारी होती है, खलीफा बैठ जाता है वो कहता है इतने बच्चे इंजीनियर्स इतने डॉक्टर्स इतने मेजर इतने कर्नल इतने जनरल इतने जज इतने वकील इतने अकाउंटेंट इतने डॉक्टर इतने साइंटिस्ट, वो फिर बच्चे बांट देते हैं अमीर लोगों के दरमियान, गरीब बच्चों के लेकर जो इंटेलिजेंट होते हैं,
اور وہ خرچے اٹھاتے ہیں تو پھر وہ اپنے عہدوں کے اوپر جا کر کام کرتے ہیں اور بتاتے ہی نہیں کسی کو، ہم ساری زندگی مرتے دم تک نہیں بتاتے کہ ہم احمدی ہیں، ہمارے ہاں یہاں بچے آوارہ پھرتے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے، ان کو بس یہی ہے آوارہ، ادھر آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، میچوں پہ لگایا ہوا ان کو، کرکٹیں کھیلتے ہیں، وقت ضائع کراتے ہیں، ان کے پٹھے کاموں میں ان کو ڈال دیا، آوارہ اور غنڈے اور بدماش بچے پیدا کرے یہ قوم، تو پھر کیا کرنا ہے بھائی، جوتے ہی کھانے تم لوگوں نے، کس طرح تم اسلام لے کر آؤ گے اور کس طرح اس ملک کو کامیاب کرو گے؟ بے اختیار لوگوں کی بھی کوئی دنیا کے اندر ہے جی، تگڑے دا ستی وی سو جو ہوتا ہے نا ذرا مضبوط، وہ سات کو بیس سے ضرب دیں تو 140 بنتے، لیکن وہ 100 گنتا ہے، اس کے لیے کہتا ہے پیسے چھین کر کہتا ہے تیرے 140 کی بجائے یہ 100 ہے، تو 40 اس کے گئے کیوں، وہ طاقت میں ہے، اور 20 جو غریب ہوتا ہے اس کا کس سے سننا ہے؟